प्रद्युमन मर्डर केस में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। दरअसल हत्या के आरोपी कंडक्टर ने जो दावे किए हैं, धीरे धीरे उन पर अब सवालिया निशान लग रहा है। चाकू आपके पास कैसे आया? क्या आप चाकू हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं? नहीं जी, बस में ही पड़ा था काफी दिनों से, पुराना चाकू। उसको साफ करने के लिए आया था वहाँ बाथरूम में, घर ले जाऊंगा, काम आ जाएगा। मासूम प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी बस कंडक्टर का ये बयान हत्या के कुछ घंटों बाद का ही है, जिसमें कंडक्टर कह रहा है कि बस में कई दिनों से पड़े चाकू से ही उसने प्रद्युम्न का गला रेता था। नहीं जी, बस में ही पड़ा था काफी दिनों से, पुराना चाकू। लेकिन अब सुनिए, आरोपी अशोक जिस बस का कंडक्टर है, उसी बस के ड्राइवर ने कहा कि बस में चाकू नहीं रखा था। नहीं, टूल बॉक्स में कोई चाकू नहीं था, बल्कि उसके दो दिन पहले ही मैंने उसकी साफ़ सफाई करी थी, बल्कि मेरे साथ एक ड्राइवर और भी थे जिनके सामने मैंने वो साफ़ सफाई करी थी। अब अगर वो पीछे से कहीं से लेकर आया हो और मेरे सामने ना आया हो, वो बात अलग है। यहाँ एक बात और है जो पुलिस थ्योरी पर सवाल उठाती है। हत्या का आरोपी अशोक जहाँ चाकू को पुराना बता रहा था, वहीं पुलिस ने नया चाकू मीडिया के सामने रखा था। आखिर नए पुराने चाकू का चक्कर क्या है? तमाम सवालों के बीच प्रद्युम्न को जल्द इंसाफ के लिए गुरुग्राम में हर रोज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सैकड़ों लोग इस कैंडल मार्च में शामिल होते हैं। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, लेकिन हिंसा ना हो। मैं जानता हूं कि सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में इनसिक्योरिटी है, लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी तरह का कोई ऐसा स्टेप ना ले इस गुस्से में जिससे आपके ऊपर कोई एक्शन हो। हम अपनी बात इस देश की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सबके पास तक पहुंचा सकते हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचा सकते हैं। प्रद्युम्न मामले की जांच कर रही पुलिस ने दावा किया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने सबूतों से छेड़छाड़ की थी। पुलिस स्कूल मैनेजमेंट के टॉप लेवल के अधिकारी और मालिकों पर भी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि हरियाणा DGP ने कहा है कि परिवार अगर चाहे तो जाँच CBI को सौंप दी जाएगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।